कनेक्शन। ये डे 14 है तो फिलहाल मैं आपको आज दिखाने वाला ये मिस्ट्री बुक, जो कि मिस्ट्री बुक है, और इसमें क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं। मैं तो काफ़ी दिनों से मैं आपको ये शेयर करने वाला था इस बुक के बारे में। तो इस बुक में मेरी कुछ यादें हैं बचपन की, कुछ मैं कलेक्ट करके रखा है, संभाल कर रखा है, जो कि 2012 या 13 से मैंने संभाल के रखा है, अभी तक मेरे पास है। तो इसके पीछे टोटल मेरी 8 से 9 साल की मेहनत है, ज़्यादा तो 8 साल 9 साल मैं इसको कलेक्ट करने में लगा है। 2012 से कलेक्ट कर रहा हूँ और 2020 तक कलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों इसमें इतनी चीज़ें हैं जिससे मैं चाहूँगा ये पूरा रूम भर सकता हूँ, ज़्यादा से पूरा रूम भर जाएगा इतने बुक में। तो फिलहाल इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, तो इसमें है विराट कोहली की पिक, बहुत सारी पिक है जो कि मैं 2012 या 13 से कलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हर एक बुक में छोटे छोटे पेजेज हैं पेपर के, सब में कलेक्शन है मेरे विराट कोहली की फ़ोटो के। फिलहाल इसको बड़े छोटे छोटे बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले बड़े पिक दिखाता हूँ। ये सब बुक थी जो मैं ख़रीदा था, बहुत सारी बुकें थी, ये देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोटो हैं। अगर मैं चाहूँ तो ये पूरा रूम भर सकता हूँ इससे, आप देख सकते हैं। कब की कब ये टी शर्ट जानते हैं कौन सी सन की है, 2017 की है, ये भी 2017 का है। ये सब फ़ोटो है साउथ अफ्रीका टूर का था ये। ये सब कैसे कैसे चिपकाया मैंने, फट गए थे फिर भी इसको चिपका के रखा है। अब गिनते रहिए कितने हैं, आप कन्फ्यूजन हो जाए। तो विराट कोहली ने टेस्ट में 243 का जब स्कोर किया था उसकी पिक है, यहाँ देख सकते कितने सारे पिक हैं मेरे पास। एक दो बार मैंने निकाल के चेक कराए तो उससे मेरे 7-8 बेड, जो बेड होते हैं ना, वो 7-8 बेड भर गए थे, इतने पिक है इसमें। तो मैं प्लान बना था कि वीडियो को छत पे जाकर शूट करूंगा, लेकिन इतनी टाइम इतनी हवा चल रही है ताकि हर एक फोटो हर एक पिक मेरी उड़ रही थी, इसके लिए मैं यहाँ पे रूम पे आ गया अकेले। ये सब पिक देखिए आप, बहुत सारी पिक है इसमें, और ये सब हैं 2012 से स्टार्ट है, 2016-17 की ज़्यादा इसमें पिक जब से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ इसको। ये घर की कोई बुक होगी, ये आरती की जर्सी 2013 में थी, और मेन खजाना इसमें है ये देखिए आप, बहुत छोटे छोटे पिक, आप देख के कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। ये सब साउथ अफ्रीका टूर का था, एक फाफ डू प्लेसिस है साथ में, ये सब छोटे छोटे पिक हैं, ये सब छोटी छोटी। उसके बाद ये बड़े बड़े फोटो विराट कोहली का 34th सेंचुरी, अभी तो उसकी 50th सेंचुरी हो चुकी है, आप देखते रहिए। इस सब मेरे कलेक्शन है चैंपियन, ये 2018 या 2019 का है। भाई बहुत सारे पिक हैं, मैं क्या दिखाऊं इस वीडियो में। जब इंडिया वाले स्टार प्लस से स्पॉन्सर लिए थे, जबकि ये टी शर्ट पे स्टार प्लस लिखा हुआ है। ये इंडिया वर्सेस श्रीलंका टूर है जो कि दिल्ली में खेला गया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन थी अपने दिल्ली में, तो उसकी वजह से श्रीलंका प्लेयर काफ़ी ज़्यादा उल्टी कर रहे थे मैदान में, जिसकी वजह से उन्होंने मास्क पहना था, तब की ये पिक है। और ये सब पिक है, मुझे बहुत सारे पिक हैं, 2017 के पिक हैं, और ये है 2016 का, 16 या 18 का है, हाँ टाइम एक्चुअली 2014-2018 का। तो ऐसे दिखाऊं मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, पहले इसको पूरा बेड पे बिछा देता हूँ और काउंट करके बताता हूँ टोटल कितने फोटो हैं।
sometimes the people we like don't like us back. Painful, but there's nothing we can do about it. देख रहा हूँ और थोड़ा अगर जमीन में रखूंगा तो थोड़ी अपने किंग कोहली की इंसल्ट होगी। देख सकते हैं 10-15 छोटे छोटे हैं, छोटे क्या, मैं इसको काट के छोटा किया हूँ, बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे भाई साहब, कैसे संभाल के रखा हूँ मैं ही जानता हूँ, और कैसे कलेक्शन करके रखा हूँ मैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से रखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके आगे क्या जर्नी थी, कैसे मैं कलेक्ट किया ये सब। तो फिलहाल इसको अभी थोड़ा संभाल के रखते हैं, अभी तो कुछ गायब हो गया। मैं पुणे जब से गया था 3-4 साल हो गए मुझे पुणे रह गए, जब से घर ही पे था सब, छोटा भाई था इधर उधर करा होगा। तो फिलहाल इसको सब रखते हैं, फिर उसके बाद सब आपको बताता हूँ। मदद कर दो यार, है तो ना बड़ा आज तक। ये भी किंग कोहली की है दोस्तों। ऐसे मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक किए, और 2016 से मैं हर साल RCB की एक टी शर्ट जरूर लेता हूँ। सिर्फ पिछले साल नहीं लिया था, घर के अंदर सब पड़ी है, कुछ छोटे भाई को दिया था और कुछ अभी भी 2-3 पड़ी है, अभी निकालने वाला हूँ। IPL स्टार्ट होने वाला है, आप वीडियो में भी देखेंगे। तो दोस्तों ये मैं कलेक्शन कैसे कर पाया हूँ, तो मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता था, बैट बॉल कबूतर के पीछे ज़्यादा था। जो लोग मुझे जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा मैं कबूतर के पीछे था, तो उस टाइम घूमने की वजह से मेरे अब्बू ने मुझे एक गुमती दी, गुमती मतलब टपरी दुकान खोल के दी थी कि ताकि घूमे ना, दुकान ही पर बैठा रहे, हाफिज भी हंस रहे हैं मेरी कहानी सुनकर। और उस टाइम पेपर न्यूज़पेपर बेचने वाला आता था, तो उसी से मैं डेली रोज़ आप कितना पेपर ले सकते, एक पेपर ले सकते, लेकिन मैं 4 पेपर लेता था, एक दैनिक जागरण, एक अमर उजाला, एक हिंदुस्तान और एक उर्दू का। 18-20 पे मैं डेली खर्चा करता था ताकि मुझे कोहली की फ़ोटो मिल सके और मुझे मैं उसे कलेक्ट कर सकूं। पहले मैं जब फ़ोटो रखा था तो ऐसे दीवार पे चिपकाया रहता था। मेरे अम्मी अब्बू और ये बाकी सब लोग मना करे कि इस्लाम में मतलब फ़ोटो वोटो नहीं लगाते, तस्वीर सामने ना आए। हाँ, तो उसके लिए मैं और कुछ मैं अच्छी से उसको निकाल के रखा था, अभी 2-3 पिक थी क्योंकि जो मैं चिपका के रखा था। उसके बाद मैं कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिलहाल ये थी सब कलेक्शन जो कि 7-8 साल मैंने किया था। और उसके बाद मैं चला गया था पुणे, तो इधर उधर बुक पड़ी थी, तो 2-3 दिन पहले एक फ़ोटो नीचे गिरा था, देखा छोटा सा कोहली, तो मुझे याद आया कोहली की कलेक्शन की फ़ोटो है, तो उसको उठाया मैं और कलेक्ट करके रखा। और मैं सोचा आपको वीडियो बनाऊंगा, और मैं खुद अपनी थोड़ा वीडियो रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिससे मुझे याद रहेगा मैंने बचपन में क्या क्या किया था। जैसे अभी ये सब वीडियो बन रही है, मुझे बाद में बढ़ूंगा तो देखूंगा कि मैं क्या क्या करता था। तो आज की वीडियो एप खत्म करते हैं, भी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद लाइक करें, बड़ी मार की। तो आज की वीडियो भी खत्म करते हैं, भी छोटी सी वीडियो पसंद आए, और हाँ ये अपने विराट फैन में जरूर भेजें। आप जी दोनों फ्रेंड है भेज दियो, तो फिर मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खत्म हो गए, तो स्क्रिप्ट ना लिखते ना बती यहाँ से स्क्रिप्ट में लिख बंद कर दुआ देती है ना, लिखो तो वीडियो लंबी बनी है, लंबी बनी तो अच्छी से बनी, 38 से बनी, फिर भी सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ी है, व्यूअर्स बढ़ी है। हाँ, स्क्रिप्ट लिखने से सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं और थोड़ा एंगेज करते हैं, पब्लिक एंगेज करती है, थोड़ा देर तक रुकेगी वीडियो पे क्या बोल रहा है, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो। लेकिन मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, कौन जाएगा स्क्रिप्ट लिखने, 2-3 पेज की स्क्रिप्ट रहेगी फिर उसको पढ़ूंगा फिर आपके सामने बोलूंगा, इसका बिल्कुल नहीं स्क्रिप्ट लिखना, जो है सामने मैं बोल देता हूँ कैमरे के सामने, जैसे अभी बोल रहा हूँ। कुछ लोग तो शर्मा जाएंगे इसे कैमरा देखते ही, जैसे हमारा अबे जात ले गंदगी गारे डाले।